हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लबिशा अरोड़ा और आप देख रहे हैं बैंकिंग की क्लासेस। आज बैंक का एक नया चैप्टर, अच्छा है, शानदार चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या चीज़ है, किस में काम आता है, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, क्या परसेंटेज होता है, और प्लस इसके साथ साथ आप सब टॉपिक्स देख रहे हैं, जैसे कि नैरो बैंक इसमें डिस्कस करेंगे, वर्चुअल बैंक, फिर यूनिवर्सल बैंक, अबाउट करेंसी नोट के बारे में, और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके पहले थ्योरिटी में चलते हैं। थ्योरिटिकल ये क्या कहता है कि एन इंडेक्स दैट शो द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमिक इन ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये ऐसा इंडेक्स है जो फिक्स्ड टाइम पीरियड में डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप की इकोनॉमी ग्रोथ रेट को शो करता है। इसमें आपको सिर्फ उस एक्टिविटी के बारे में आपको पता चलता है जो इंडस्ट्रियल में चल रही होती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। इसमें आपको दे रखे है टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरिंग टू IIP। पहली है, फर्स्ट है शॉर्ट टर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, मंथली होती है ये। फिर सेकंड है वो ईयरली होती है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल्स एंड नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में करेंगे। ये अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, कौन, ये दो जो कमेटी है, जो दो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। जो कि सेकंड नंबर है वो है लॉन्ग टर्म के लिए, पहला शॉर्ट टर्म आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो मंथली है, इसे मंथली, जो फर्स्ट नंबर है मंथली, जो शॉर्ट टर्म ऑफ इंडस्ट्री है, इसे 1950 में जारी किया गया था। कब? 1950 में जारी किया गया था। फिर आगे देखते हैं इसमें और क्या कुछ है। फिर आता है रिलीज बाय, यानी ये रिलीज कौन करता है, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वो है CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, CSO के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। और इसमें जो गुड्स की, ये सारा टोटल गुड्स के मामले में होता है, तो जो IIP में गुड्स की जो वेटेज होती है वो होती है 40%, 40% गुड्स की वेटेज होती है। ठीक है, फिर आगे आता है आइटम ग्रुपिंग इन IIP, यानी ग्रुपिंग आइटम IIP में कौन कौन सी है। पहली यूज़ बेस्ड सेक्टर, फिर सेकंड आती है ब्रॉड सेक्टर, ये दो आइटम ग्रुपिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ है, तो सबसे पहले बेस्ड देख लें इनका, जो बेस ईयर होता है, जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका बेस ईयर था 1993-94 में डिसाइड किया गया था। कब? तो इसका बेस ईयर था 1993-94। अब जो करंट ईयर आपका बेस चल रहा है, बेस ईयर, वो है 2011 और 12। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मेन पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यूज़ बेस्ड सेक्टर और ब्रॉड सेक्टर, इसमें क्या क्या, कौन कौन से गुड्स आते हैं, उसके बारे में डिटेल में देखें कि यूज़ बेस्ड सेक्टर में प्राइमरी गुड्स आते हैं,
सेकंड कैपिटल गुड्स आती हैं, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स आती हैं, फोर्थ है इंटरमीडिएट गुड्स आती हैं, फिफ्थ है कंज्यूमर ड्यूरेबल आती हैं, और सिक्स्थ नंबर है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं अच्छे से समझे। जो फर्स्ट है प्राइमरी गुड्स, उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्स, ठीक है, प्राइमरी होते हैं जो नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त हो, ठीक है, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये चीज़ें। फिर आता है कैपिटल में, कैपिटल में आपका क्या आएगा, कैपिटल में आता है आपका प्लांट्स और मशीनरी, ठीक है, प्लांट्स एंड मशीनरी, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर, थर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है सीमेंट और केबल, केबल्स, और आता है टाइल्स, ठीक है, ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। और फोर्थ में इंटरमीडिएट में कौन कौन से गुड्स आते हैं, वो है आपका जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके इनकम्प्लीट प्रोडक्ट होते हैं उसे, जैसे कॉटन यार्न, कॉटन यार्न, ठीक है। फिर है फिफ्थ नंबर कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए आता है जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म मतलब जैसे कि आपका मोबाइल, पैसेंजर कार, ठीक है, मोबाइल, पैसेंजर कार, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में। और फिर सिक्स नंबर आता है आपका कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल इसमें कौन कौन से जो कि लॉन्ग टर्म नहीं चलते, शॉर्ट टर्म में, जैसे मिल्क, जैसे कि मिल्क और मिल्क से चीज़ें बनी, जैसे मिल्क पाउडर, ठीक है, और सोयाबीन ऑयल, ठीक है, सोया ऑयल, ये चीज़ें नॉन ड्यूरेबल होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे है ब्रो, कौन कौन से गुड्स आते हैं वो आप खुद फाइंड आउट करके आओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि सब पॉइंट है आपके, जैसे वर्चुअल बैंकिंग और यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है, एक्सेट्रा, आगे उसको डिटेल में देखते हैं अपन। नैरो बैंक में देखें कि नैरो बैंक की डेफिनेशन क्या होती है। नैरो का मतलब होता है छोटा या कम करना, छोटा या कम करना, ठीक है। बैंकिंग, कोई भी बैंक अपनी बैंक की जब एक्टिविटी, जब एक्टिविटीज़ को कम करने लगता है या कम करता है तो उसे नैरो बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा कि जब बैंक अपनी बैंकिंग की एक्टिविटी कम करने लगता है उसे नैरो बैंकिंग कहते हैं। फिर आगे देखते हैं स्टैग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में हो, इन्फ्लेशन यानी महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो यानी महंगाई भी हो और साथ में बेरोजगारी भी हो, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैग इन्फ्लेशन यानी इसका
इसको अपने कह सकते हैं कैंसर ऑफ इकोनॉमिक, यानी जो इकोनॉमिक का कैंसर होता है उसे स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई भी हो और उसके साथ साथ बेरोज़गारी भी हो, जैसे लॉकडाउन में चल रहा है, ठीक है। आई होप स्टैग इन्फ्लेशन आपको कवर होगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक में क्या होता है, यूनिवर्सल समझ रहे हो, यानी जो बैंक के जैसे सारे काम करता हो, जो बैंक के जैसे काम करता हो एज ए बैंक, ठीक है, पर वो बैंक नहीं है, पर बैंक के जैसे काम करता है उसे यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। फिर आगे आपका आता है वर्चुअल बैंक। वर्चुअल बैंक क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो बैंक अपनी शाखाएं न खोलकर, यानी अपनी ब्रांच, जो अपनी ब्रांच न खोलकर भी बैंक जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता हो, जो अपनी ब्रांच ओपन ना करके भी जो बैंक जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता हो, ठीक है, उसे आप वर्चुअल बैंक कहेंगे। आई होप आपको क्लियर होंगे ये चार के चारों पॉइंट, ठीक है। नैरो बैंक जो बैंक की एक्टिविटी कम करते हैं, ठीक है। स्टैग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी महंगाई और बेरोज़गारी दोनों हो, इसे स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसे एक और नाम दिया गया है कैंसर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल जो बैंक के जैसे सारे काम करता हो पर बैंक ना हो, ठीक है, वो यूनिवर्सल कहता है। फिर है वर्चुअल बैंक। वर्चुअल यानी बैंक की शाखा नहीं है, ना खोल ले फिर भी वो बैंक जैसी एक्टिविटी या सेवाएं जो है प्रोवाइड करवाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है, आगे देखिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो आपका स्टैम्प पेपर होता है, जो आपका स्टाम्प पेपर होता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है पेपर मिल में। और स्टैम्प पेपर पेपर मिल में बनता है, ये पेपर मिल कहाँ है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टाम्प पेपर कहाँ बनता है, तो पेपर मिल में, तो स्टाम्प पेपर पेपर मिल में बनता है, तो ये पेपर मिल कहाँ है, कौन सी जगह में या कौन से स्टेट में है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर आता है थ्रेड कलर ऑफ नोट। नोट का जो थ्रेड कलर है, जो धागे का, नोट के अंदर जो धागे का कलर होता है वो किस में चेंज होता है, वो ग्रीन से ब्लू में चेंज होता है। अगर ध्यान से देखो तो ग्रीन से ब्लू में चेंज होता है थ्रेड का कलर। फिर आगे आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, हिल्टन यांग कमीशन के द्वारा आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। फिर आगे आता है कि आरबीआई मैक्सिमम प्रिंट नोट डिजिट ऑफ नंबर, यानी आरबीआई जो है वो मैक्सिमम कितने डिजिट नंबर का नोट प्रिंट कर सकती है, बड़े से बड़ा, तो 10,000 रुपये का नोट प्रिंट कर सकती है। किस एक्ट के दौरान, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये का नोट आरबीआई छाप सकती है, ठीक है। फिर आगे आता है कि आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आरबीआई के जो बोर्ड के डायरेक्टर है वो कितने होते हैं, वो होते हैं 21। कौन कौन से, ये आप खुद फाइंड आउट करके आओगे, ठीक है। फिर आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आपको स्टार्टिंग में टॉपिक करवा दिया आपको। अब आगे देखें, बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा।
आपको ऊपर ऊपर दे रखा है नोट, उसके साइज, उसके कलर और उसका लोगो, कि नोट पर कौन सा लोगो है, नोट कौन सा कलर का है और क्या साइज है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जो नोट है 10 रुपये का, 10 रुपीज़ का जो नोट है उसका साइज है 63 × 123, 63 × 123। ठीक है, ये आपका 10 रुपीज़ का साइज है। फिर आता है 10 रुपीज़ का कलर क्या है, 10 रुपीज़ का कलर है चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर है 10 रुपीज़ का, और उस पर किसका लोगो है, तो उस पर लोगो जो है वो है सूर्य टेंपल का, सूर्य मंदिर का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का साइज़ क्या है, 50 रुपीज़ का साइज है 66 × 135, और इसका जो कलर है वो है फ्रीक्वेंट ब्लू। ठीक है, और इस पर लोगो क्या है, हम्पी, हम्पी का रथ है, तो वो 50 रुपीज़ के ऊपर लोगो बना हुआ है। ठीक है, अब आता है 100 रुपये का नोट, 100 रुपीज़ का नोट है, उसका साइज है 66 × 142, 66 × 142, और इसका कलर क्या है वो आप खुद फाइंड आउट करके आओगे, और इसका लोगो जो है, लोगो किसका बना हुआ है, 100 रुपये के नोट पर लोगो बना हुआ है रानी की वाव। ठीक है, फिर आता है 200 रुपीज़ का, 200 नोट का साइज क्या है, 66 × 146, 66 × 146 साइज है 200 रुपीज़ का, और इसका कलर क्या है, ब्राइट येलो, ब्राइट बिल्कुल ब्राइट येलो कलर है 200 रुपये का, और इस पे लोगो किस चीज़ का बना हुआ है, सांची स्तूप, इसका लोगो बना हुआ है सांची स्तूप का। ठीक है, फिर आता है 500 रुपीज़ का, 500 रुपये नोट पर कौन सा साइज, क्या साइज है वो उसका, उसका साइज है 66 × 150, 66 × 150, और उसका कलर क्या है, स्टोन ग्रे कलर है उसका, स्टोन ग्रे, और उस पर लोगो किसका बना हुआ है, रेड फोर्ट यानी लाल किले का। ठीक है, तो 500 के नोट पर बैक साइड देखोगे तो लाल किले का आपको लोगो दिखेगा। फिर आता है 2000 का, 2000 का साइज क्या है, उसका साइज है 66 × 166, और उसका कलर क्या है, मरजेंटा कलर इसका, मरजेंटा है। ठीक है, और इस पर जो लोगो बना हुआ है वो यान का यानी सैटेलाइट का लोगो बना हुआ है। ठीक है, आई होप ये सब कुछ आपको, सारी स्टडी आपके काम आएगी, सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अगर हो सके तो आपके फ्रेंड में इसको वीडियो को शेयर करें, और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो तब तक के लिए गुड बाय।